लेखाशास्त्र कक्षा 12 अध्याय 8 परेषण खाते। नमस्कार मित्रों, मैं रामावतार बटुक आपका स्वागत करता हूँ। मैं एक स्वयं पाठी विद्यार्थी हूँ। मैं इस प्रकार पढ़ता हूँ जिससे मुझे 70% से अधिक याद हो जाता है। धन्यवाद। प्रश्न एक, वस्तु के बाजार को स्थानीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने पहुँचाया है? उत्तर, वैश्वीकरण, विज्ञापन एवं संचार क्रांति के वर्तमान दौर ने वस्तु के बाजार को स्थानीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया है। प्रश्न दो, व्यवसायी का नैतिक दायित्व क्या है? उत्तर, उपभोक्ता को किसी वस्तु की उपलब्धता समय पर और सुगमता से हो यह निश्चित करना व्यवसायी का नैतिक दायित्व है। प्रश्न तीन, उपभोक्ता को किसी वस्तु की उपलब्धता समय पर और सुगमता से व्यवसायी किस प्रकार करा सकता है? उत्तर, जब उसके पास व्यवसाय के प्रतिनिधि विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध हों। प्रश्न चार, व्यवसाय के प्रतिनिधि व्यवसाय के लिए क्या कार्य करते हैं? उत्तर, व्यवसाय के प्रतिनिधि अपने स्वामी का माल उपभोक्ता तक आसानी से पहुंचा देते हैं। प्रश्न पाँच, प्रेषण क्या है? उत्तर, व्यवसायी का माल प्रतिनिधि के माध्यम से समय पर और सुगमता से उपभोक्ता तक पहुँचाना ही प्रेषण है। प्रश्न छः, प्रेषण में व्यवसायी स्वामी को क्या कहते हैं? उत्तर, प्रेषक कहते हैं जो अपना माल प्रतिनिधि के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंचाता है। प्रश्न सात, प्रेषणी कौन कहलाता है? उत्तर, व्यवसायी के माल पर कमीशन लेकर माल या वस्तु को विक्रय करने वाला प्रेषणी अथवा प्रतिनिधि कहलाता है। प्रश्न आठ, उपभोक्ता कौन होता है? उत्तर, वस्तु अथवा माल का मूल्य चुकाकर उपयोग या उपभोग करने वाला उपभोक्ता होता है। प्रश्न नौ, प्रेषण की परिभाषा क्या है? उत्तर, जब माल का स्वामी या प्रधान अपने प्रतिनिधि को इस आधार पर माल भेजता है कि एजेंट द्वारा माल का विक्रय किया जाएगा तथा इस कार्य के लिए उसे बेचे गए माल पर पारिश्रमिक के रूप में निश्चित दर पर कमीशन दिया जाएगा, इसे प्रेषण कहते हैं। सरल भाषा में भेजने की क्रिया का नाम प्रेषण है। प्रेषण संबंधी समस्त खर्चों, जोखिम, लाभ एवं हानियों का उत्तरदायी प्रेषक या प्रधान ही होता है। प्रश्न 10, प्रेषण की विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, एक, प्रेषक द्वारा प्रेषणी को विक्रय के उद्देश्य से माल भेजा जाता है। दो, प्रेषक प्रेषणी में स्वामी एवं प्रतिनिधि का संबंध होता है। तीन, प्रेषण माल का विक्रय नहीं है। चार, प्रेषक के निर्देशानुसार प्रेषणी कार्य करता है। पाँच, प्रेषणी को माल के विक्रय पर कमीशन का अधिकार है। छः, माल का वास्तविक स्वामी प्रेषक है, वही लाभ का अधिकारी है तथा अन्य व खर्चों के लिए उत्तरदायी भी है। सात, प्रेषणी माल का निक्षेपिति होता है, माल की सुरक्षा उसका दायित्व है। प्रश्न 11, प्रेषण का एक वाक्य में उत्तर क्या है? उत्तर, जब प्रेषक द्वारा प्रेषणी को इस आशय से माल भेजा जाता है कि उसके द्वारा विक्रय करने पर कुल माल पर कमीशन मिलेगा, प्रेषण कहते हैं। प्रश्न 12, जावक प्रेषण क्या है? उत्तर, प्रेषक द्वारा प्रेषणी को भेजे गए माल को जावक प्रेषण कहते हैं। प्रश्न 13, आवक प्रेषण क्या है? उत्तर, प्रेषणी के पास प्रेषक के द्वारा आया हुआ माल आवक प्रेषण है। प्रश्न 14, प्रेषक कौन है? उत्तर, माल का स्वामी जो प्रेषण पर माल विक्रय के लिए भेजता है, प्रधान या प्रेषक कहलाता है। प्रश्न 15, प्रेषणी कौन है? उत्तर, वह व्यक्ति जिसे प्रेषण पर माल भेजा जाता है तथा इसके द्वारा माल उपभोक्ता को बेचा जाता है, उसे प्रेषणी या एजेंट कहते हैं। प्रश्न 16, कमीशन किसे कहते हैं? उत्तर, प्रेषणी द्वारा माल को विक्रय करने पर विक्रय की राशि पर जो पारिश्रमिक मिलता है उसे कमीशन कहते हैं। प्रश्न 17, कमीशन कितने प्रकार का होता है? उत्तर, तीन प्रकार का, एक सामान्य कमीशन, दो परिशोध या डेल क्रेडिट कमीशन और तीन अधिभावी कमीशन है। प्रश्न 18, सामान्य कमीशन क्या है? उत्तर, प्रेषणी को माल के विक्रय मूल्य या बीजक मूल्य पर निश्चित दर से कमीशन दिया जाता है, यह प्रेषणी के कार्य का प्रतिफल है, यही सामान्य कमीशन है। प्रश्न 19, परिशोध या डेल क्रेडिटर कमीशन क्या है? उत्तर, यदि प्रेषक ने प्रेषणी को माल को उधार विक्रय करने का अधिकार दिया है तो ऐसी स्थिति में डूबत ऋण की संभावना भी रहती है।
जिसे परेशक वहन करता है, यदि डूबत ऋण वहन करने एवं उधार राशि वसूल करने का उत्तरदायित्व प्रेषणी लेता है तो इस कार्य हेतु प्रेषक द्वारा प्रेषणी को अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है, जिसे परिशोध कमीशन कहते हैं। प्रश्न 20, परिशोध कमीशन की स्पष्ट सूचना के अभाव में इसे कैसे निश्चित किया जाता है? उत्तर, स्पष्ट सूचना के अभाव में परिशोध कमीशन कुल विक्रय पर निश्चित दर से दिया जाता है। प्रश्न 21, अधिभावी कमीशन क्या है? उत्तर, प्रेषक द्वारा प्रेषणी को यह अधिकार दिया जाता है कि वह माल का विक्रय बीजक मूल्य या इससे अधिक मूल्य पर कर सकता है तो वास्तविक बीजक मूल्य से अधिक के राशि पर जो कमीशन दिया जाता है उसे अधिभावी कमीशन कहते हैं। प्रश्न 22, सूचनार्थ बीजक क्या है? उत्तर, प्रेषक द्वारा प्रेषणी को भेजे गए माल का विवरण, जिसमें वस्तु की किस्म, माल की मात्रा, बीजक मूल्य, माप तोल, खर्चे आदि के बारे में सूचना होती है, सूचनार्थ बीजक कहते हैं। इसमें प्रेषक द्वारा प्रेषणी को आवश्यक निर्देश, जैसे माल को उधार बेचना, बीजक मूल्य से अधिक पर बेचना, कमीशन के प्रकार आदि की सूचना होती है। प्रश्न 23, प्रेषण पर अग्रिम क्या है? उत्तर, प्रेषणी द्वारा माल के विक्रय से पूर्व ही प्रेषक को कुछ राशि चेक, विनिमय बिल, अग्रिम दिया जाता है तो इसे प्रेषण पर अग्रिम कहते हैं। विनिमय बिल के भुगतान पर बट्टे की राशि को हानि मानते हुए प्रेषण खाते में नाम कर देते हैं। प्रश्न 24, विक्रय विवरण क्या है? उत्तर, प्रेषणी द्वारा माल के विक्रय के पश्चात प्रेषक को भेजा गया विवरण विक्रय विवरण कहलाता है। इसमें बेचे गए माल की किस्म, मात्रा, विक्रय मूल्य, खर्च, कमीशन, प्रेषण पर अग्रिम आदि का विवरण होता है। प्रश्न 25, संबंध के आधार पर प्रेषण और विक्रय में क्या अंतर है? उत्तर, प्रेषण में प्रेषक और प्रेषणी का संबंध होता है और विक्रय में क्रेता एवं विक्रेता का संबंध होता है। प्रश्न 26, स्वामित्व के आधार पर प्रेषण और विक्रय में क्या अंतर है? उत्तर, प्रेषण में माल का स्वामित्व प्रेषक होता है, जबकि विक्रय में माल का स्वामित्व क्रेता का होता है। प्रश्न 27, जोखिम के आधार पर प्रेषण और विक्रय में क्या अंतर है? उत्तर, प्रेषण में माल की जोखिम प्रेषक की होती है, जबकि विक्रय में माल की जोखिम क्रेता की होती है। प्रश्न 28, प्रतिफल के आधार पर प्रेषण और विक्रय में क्या अंतर है? उत्तर, प्रेषण में प्रेषणी द्वारा माल बेचने पर कमीशन मिलता है, जबकि विक्रय में विक्रेता द्वारा माल बेचने पर लाभ मिलता है। प्रश्न 29, विवरण के आधार पर प्रेषण और विक्रय में क्या अंतर है? उत्तर, प्रेषण में सूचनार्थ बीजक भेजा जाता है, जबकि विक्रय में बीजक दिया जाता है। प्रश्न 30, अधिनियम के आधार पर प्रेषण और संयुक्त साहस में क्या अंतर है? उत्तर, प्रेषण में आपसी अनुबंध या एजेंसी संबंधी कानून नियम लागू होते हैं, जबकि संयुक्त साहस में आपसी अनुबंध या साझेदारी अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। प्रश्न 31, संबंध के आधार पर प्रेषण और संयुक्त साहस में क्या अंतर है? उत्तर, प्रेषण में प्रधान एवं प्रतिनिधि का संबंध होता है, जबकि संयुक्त साहस में साझेदारी की तरह संबंध होता है। प्रश्न 32, पूंजी के आधार पर प्रेषण एवं संयुक्त साहस में क्या अंतर है? उत्तर, प्रेषण में प्रेषक की पूंजी लगती है, जबकि संयुक्त साहस में सभी साहसी पूंजी लगाते हैं। प्रश्न 23, लाभ के आधार पर प्रेषण और संयुक्त साहस में क्या अंतर है? उत्तर, प्रेषण में लाभ केवल प्रेषक को ही मिलता है, जबकि संयुक्त साहस में लाभ का बंटवारा सभी साहसियों को किया जाता है। प्रश्न 34, अवधि के आधार पर प्रेषण और संयुक्त साहस में क्या अंतर है? उत्तर, प्रेषण की अवधि संयुक्त साहस से अधिक होती है, जबकि संयुक्त साहस अल्पकालीन होता है, उद्देश्य पूरा होते ही संयुक्त साहस समाप्त हो जाता है। प्रश्न 35, विवरण भेजने के आधार पर प्रेषण और संयुक्त साहस में क्या अंतर है? उत्तर, प्रेषण में माल के विक्रय के पश्चात प्रेषणी द्वारा विक्रय विवरण भेजा जाता है, जबकि संयुक्त साहस में स्वयं द्वारा दिए गए व्यवहारों का विवरण संयुक्त साहसी एक दूसरे को भेजते हैं। प्रश्न 36, प्रेषक पुस्तकों में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं? उत्तर, 1, प्रेषण खाता, 2, प्रेषणी खाता,
तीन प्रेषण पर भेजे गए माल का खाता और चार अन्य असामान्य हानि खाता आदि खोले जाते हैं। प्रश्न 37, प्रेषण की पुस्तकों में खोले जाने वाले खाते कौन से हैं? उत्तर, एक प्रेषण का खाता, दो कमीशन खाता आदि खोले जाते हैं। प्रश्न 38, क्या बिना बिका स्टॉक का मूल्यांकन करना आवश्यक है? यदि हाँ तो किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? उत्तर, हाँ बिना बिका स्टॉक का मूल्यांकन करना आवश्यक है। इसे निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। एक, स्टॉक का वास्तविक मूल्यांकन बाजार मूल्य एवं लागत मूल्य जो दोनों में से कम है उस पर किया जाएगा। दो, प्रेषक द्वारा किए गए समस्त व्यय अनुमानित जोड़े जाएंगे। और तीन, प्रेषणी द्वारा किए गए खर्चे अनावर्ती व्यय माल को गोदाम तक पहुंचाने में जैसे भाड़ा चढ़ाई उतराई चुंगी मजदूरी आदि व्यय अनुमानित जोड़े जाएंगे। प्रश्न 39, आवर्ती व्यय कौन से हैं? उत्तर, गोदाम किराया बीमा व्यय विज्ञापन व्यय विक्रय व्यय आदि जिनको बार बार समय समय पर करना होता है। प्रश्न 40, अनावर्ती व्यय क्या है? उत्तर, भाड़ा चढ़ाई उतराई चुंगी मजदूरी आदि अनावर्ती व्यय है। इनकी पुनरावर्ती सामान्यतः नहीं होती है। प्रश्न 41, प्रेषण में उधार पर डूबत ऋण कौन वहन करता है? उत्तर, एक, जब प्रेषणी को कमीशन नहीं मिलता है तो डूबत ऋण प्रेषक वहन करता है। और दो, जब प्रेषणी को डेल क्रेडिटर कमीशन मिलता है तो डूबत ऋण प्रेषणी वहन करता है। ये राशि प्रेषणी के कमीशन में से कम की जाती है। धन्यवाद।